हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गांठ वाले फंदे डालना सिखाएंगे, जो बहुत ही आसान और सरल तरीके से हम आपको गांठ वाले फंदे डालना सिखाएंगे, जिससे आप बच्चों की टोपी में, जैकेट में या कार्डिगन में किसी में भी डाल सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो देखिए फ्रेंड, हमने उनको इस तरह से ये चार बार मोड़ लिया है। कितनी? चार बार हमने मोड़ लिया है, ये चार बार कर लिया है। और इसको फिर हम देखिए इस तरह से एक गांठ लगाएंगे। ये हमने एक गांठ लगा ली दोस्तों, और फिर उसके बाद में एक फंदा हम जैसे सादा फंदा डालते हैं उसी तरह से इसको इस तरह से निकाल दिया, और दूसरा फंदा हमें इस तरह से ये पकड़ना है और ये सलाई इधर से ले जाकर ऐसे करनी है। इसके ऊपर से ऐसे आप डालिए, फिर इसको इधर वापस कर दीजिए और ये पड़ गया दूसरा फंदा। फिर हमें फिर से सादा वाला फंदा डालना है, ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे करके और इस तरह से फिर दोबारा इसको वापस खींच देंगे, फिर से वही करेंगे इस तरह से किया। ये देखिए फ्रेंड, फिर से देखिए आप इस तरह से पकड़ा और इस तरह से ये किया और फिर इसको इस तरह से करके और ये धागा दोबारा इधर वापस और फिर से हम सादा वाला ऐसे पकड़ा और ये डाल के इसको ऊपर से डाला, इसको वापस इधर कर दिया। देखिए फ्रेंड, फिर से देखिए देखिए फ्रेंड, इसको इस तरह से पकड़ना है, ये धागा जो है इस तरह से पकड़ना है आपको और ऐसे ही इसको करना है। फिर इसको आप ऊपर से डालेंगे ये वाला एक वाला धागा और ये चार वाले फिर से इधर वापस, फिर से सादा वाला इस तरह से पकड़ेंगे, इसको ऊपर से निकाला और इसको वापस कर दिया इधर से। ये देखिए फ्रेंड, इधर से इसको पकड़ के ऐसे किया, इसको ऊपर से निकाला एक वाले धागे को और इसको इधर वापस कर दिया और फिर से हम सादा वाला डालेंगे जो इस तरह से पकड़ते हैं और ऐसे किया, इस तरह से वापस इधर कर दिया, फिर से ये वाला इस तरह से डाल दिया। फ्रेंड देखिए, फिर से सादा वाला फंदा डालेंगे और ये हो गया, और दूसरा वाला इस तरह से घुमाते हैं ऐसे और इस तरह से, और एक फंदा सादा डालना है इजी, और ये वाला इस तरह से डालना है। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ये हमने गांठ वाले फंदे डालना सीख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, इधर सीधी है, इधर उल्टी है, कितनी इसी तरीके से हमने आपको बताया है। देखिए आप फिर से एक बार देख सकते हैं, ये फंदा इस तरह पकड़ना है, ये किया और इसके ऊपर डाला, इसको वापस कर दिया, ये फिर इस तरह इसको वापस कर दिया, फिर सादा फंदा इस तरह से और ये वाला इस तरह से।
दोस्तों अगर हम चार बार नहीं मोड़ेंगे तो इतनी मोटी गांठ हमारी नहीं बनेगी, इसलिए चार बार मोड़ा है हमने ताकि हमारी गांठ मोटी बन सके।